दोस्तों, ब्रह्म कुमारीज विश्व भर में फैला हुआ एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नव निर्माण के लिए समर्पित है। सन 1937 में स्थापना के बाद ब्रह्म कुमारीज का इस समय लगभग 110 देशों में विस्तार हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है। दोस्तों, उनकी वास्तविक प्रतिबद्धता व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण में भौतिक से आध्यात्मिकता में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। इसे शांति की गहरी सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत गरिमा को निर्माण करने में हर एक आत्मा को मदद मिलती है। दोस्तों, ब्रह्म कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत के माउंट आबू में स्थित है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन की गई अनेक गतिविधियों को ब्रह्म कुमारीज के ईश्वरीय नियमों के आधार पर और वहां के उस क्षेत्र के अपने नियमों और कायदों के आधार पर संचालित किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को विभिन्न देशों में स्थित कार्यालयों के माध्यम से संचालित किया जाता है। दोस्तों, ब्रह्म कुमारीज महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखने का फैसला लिया है और इसी के कारण विश्व के अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थानों के बीच ब्रह्म कुमारीज अपना अलग ही अस्तित्व बनाए हुए हैं। पिछले 80 वर्षों से इनके नेतृत्व ने लगातार हिम्मत, क्षमा करने की क्षमता और एकता के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को साबित किया हुआ है। हालांकि सभी सीट्स व्यवस्थापकीय पदों पर महिलाएं नेतृत्व करती हैं, लेकिन यह सीट्स की महिलाएं हमेशा अपने निर्णय भाइयों के साथ मिलजुल कर लेती हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में। दोस्तों, सन 1880 में एक गांव के विनम्र स्कूल मास्टर के घर में ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज कृपलानी का जन्म हुआ। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार लेखराज का पालन पोषण हुआ और बहुत छोटी उम्र में अनेक काम करने के बाद उन्होंने हीरे का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक हीरा विक्रेता के रूप में बाद में बहुत नाम कमाया। 5 बच्चों के पिता दादा लेखराज अपने समाज का भी नेतृत्व करते थे, जो अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। सन 1936 में उम्र के उस पड़ाव में जब सामान्यतः सभी लोग सेवानिवृत्ति की तैयारी करते हैं, तब उन्होंने वास्तव में अपने जीवन के एक सक्रिय और आकर्षक पड़ाव में प्रवेश किया। गहरी आध्यात्मिक समझ और साक्षात्कारों की श्रृंखला के पश्चात उन्होंने एक सख्त आकर्षण को महसूस किया और अपने व्यवसाय को समेटकर अपना समय, शक्ति और धन को इस विद्यालय के स्थापना में खर्च किया, जो बाद में ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया।